Brought to you by Independence. आज Independence Special खाना बनेगा घर पे, क्योंकि इसके है कणकण में स्वाद, कणकण में भारत। एक ही दिन एक ही शहर, सपा के दो दो बड़े नेताओं की मुश्किलें बढ़ गई। हो गई अलग अलग केस में FIR, तो फायर है सपाई। अभी पुलिस कांस्टेबल भर्ती एग्जाम मामले में पेपर लीक की अफवाह केस में फंसे यासर शाह को लेकर ही बवाल था, तो वहीं खबर आ जाती है कि अखिलेश के भरोसेमंद सांसद के खिलाफ दर्ज हो गई है FIR। लखनऊ पुलिस ने अब मोहनलालगंज सीट से समाजवादी पार्टी के सांसद RK चौधरी के खिलाफ FIR दर्ज की है। सपा सांसद के खिलाफ वजीरगंज थाने के दारोगा विनोद कुमार सिंह ने FIR दर्ज करवाई है। अब जरा चौधरी साहब पर आरोप क्या है, क्यों उनके खिलाफ केस दर्ज हुआ, वो भी जान लीजिए। दरअसल माजरा जुड़ा है भारत बंद से। उस दिन समाजवादी पार्टी के सांसद RK चौधरी ने बिना परमिशन के गांधी भवन से परिवर्तन चौक तक जुलूस निकाला था। जुलूस SC ST आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर था, जब बसपा आजाद पार्टी समेत कई दलित संगठन भारत बंद में मोदी सरकार के खिलाफ लामबंद थे, सुप्रीम कोर्ट के बड़े फैसले का विरोध कर रहे थे, तो सपाई भी सड़कों पर उतरे थे और दौरान RK चौधरी भी फायर थे। लेकिन आरोप है कि RK चौधरी ने एक तो बिना परमिशन के करीब 250 लोगों के साथ जुलूस निकाला, दूसरा जब पुलिस से रोकने की कोशिश की तो पुलिस वालों से ही भिड़ गए, हुल्लड़बाजी और नारेबाजी करते हुए यातायात को प्रभावित करते हुए निकल गए। तो ये आरोप है और अब ये भारी पड़ते दिख रहे हैं। आपको बता दें कि सपा सांसद के खिलाफ BNS 189(1)(e), 223 और पुलिस अधिनियम 30 के तहत वजीरगंज थाने में FIR दर्ज हुई है, जिसमें ये भी कहा गया कि परमिशन केवल गांधी भवन प्रेक्षागृह में संविधान मान स्तंभ संगोष्ठी की मांगी गई थी, लेकिन बाद में नियमों की धज्जियां उड़ा दी गई। वैसे इस FIR को लिखते हुए लगता है कि पुलिस वाले थोड़ा जल्दबाजी में थे, तभी तो देखिए कि कैसे इतनी बड़ी मिस्टेक कर गए। FIR में तरुण रावत के साथ RK चौधरी की जगह RK रावत नाम से नामजद आरोपियों में इनको शामिल कर लिया। इस पर इंस्पेक्टर वजीरगंज ने इसे टाइपिंग मिस्टेक बताया। वहीं कल ही लखनऊ में पेपर लीक की अफवाह को लेकर एक FIR दर्ज की गई थी, जिसमें सपा नेता यासर शाह का नाम था। यासर शाह पर आरोप है कि उसने कई ग्रुप बनाए, उस पर प्रश्न पत्र लीक होने की अफवाह फैलाई गई। FIR के मुताबिक यासर शाह ने अपने एक्स अकाउंट से पेपर लीक का असत्य अपमानजनक पोस्ट किया। टेलीग्राम ऐप पर 11 चैनल्स पर पेपर लीक से जुड़े मैसेज वायरल किए गए और पेपर के बदले QR कोड भेजकर पैसे मांगे गए। तो एक दिन में दो दो इन सपा नेताओं पर ये जो कार्रवाइयां हुई हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? और उधर दूसरी तरफ जिस तरह से BJP इसे एक बहुत अहम कार्रवाई बता रही है, इस पर अपनी राय कॉमेंट बॉक्स में जरूर रखिए। लखनऊ से संतोष शर्मा की रिपोर्ट, UP तक।